उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अब जनता के बीच जाकर जनाधार जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी लगातार डिजिटली प्रचार से जनता को साधने में जुटी हुई है वही भारतीय जनता पार्टी ने आज 403 विजय रथ निकाले हैं जिससे जनता को साथ सके इस वक्त हमारे साथ लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी हैं सर देखा जाए तो चुनाव नजदीक है और तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अब जनता को साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं ऐसे में आपकी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है क्योंकि इस बार ये कहा गया है कि डिजिटल प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जाए देखिए डिजिटल प्रचार जो इस देश में कहा जा रहा है ये डिजिटल प्रचार इस देश में इतना ज़्यादा नहीं है चुनाव आयोग कोविड में गलत चुनाव करा रहा है जहां पूरे देश में ढाई लाख तीन लाख से ज़्यादा कोविड के, के केस हो रहे हैं वहां चुनाव आयोग ऐसे में चुनाव करा के किसी दल को विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है निश्चित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ही पार्टी मजबूत हैं जो सत्ता में है बाकी सब लोग उतने मजबूत नहीं है क्योंकि ना हमारे गाँवों में बिजली है ना संसाधन है कि इंटरनेट तक इतना उपलब्ध होता हो गाँवों में और गाँवों में किसान की जहाँ इनकम आमदनी एक एवरेज परिवार की दो हजार प्रति माह हो वहाँ हम नहीं समझते कि वहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है तो ये सब हवा हवाई बातें हैं जो हमारा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार बोल रही है आज इस देश में कोविड के जहाँ तीन लाख केस पड़े हो रहे हैं और ओमिक्रॉन बुरी तरह चल रहा है तो वहाँ तो लोकदल हमारी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी गई है कि ऐसे में चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि देश हित में नहीं है अगर पिछले पंचायत चुनाव में जहाँ सात से आठ से ज़्यादा जाने गई थी अगर इस चुनाव में मुझे लगता है कि कई जाने ऐसी जाएंगी जो ओमिक्रॉन के कारण जाएंगी और अगर दस लोग भी मरे इसके कारण तो इसका

सुविधाएं है वो नहीं पहुंच पाई हैं मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से लेकर भाजपा को यही नहीं पता कि किसान को क्या चाहिए पहले यही नहीं जान पाते ये सिर्फ किसान एक नाम ऐसा हो गया कि चुनाव में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो किसानों के लिए हमने इतना भुगतान कर दिया किसानों को ये कर दिया कोई दल किसानों को छह हजार रुपए खैरात बांट के वोट लेना चाह रहा है कोई दल कह रहा है कि मैंने लैपटॉप बांट दिया कोई कह रहा है कुछ असल मुद्दा क्या है कि इस देश में किसान दिन प्रतिदिन खेती छोड़ते जा रहे हैं जो खेती करने वाले किसान हैं वो मजदूर बनते जा रहे हैं क्योंकि खेती से आमदनी से दो हजार माह भी उनको नहीं मिल रहा है ऐसे में छह हजार रुपए देके वोट खरीदने के लिए खैरात के रूप में भाजपा उनको भले ही साल में बांट रही हो लेकिन छह हजार से पांच सौ रुपए वहां से क्या हो जाएगा किसी किसान परिवार का तो एक भद्दा मजाक है जो देश में किसान के साथ पर खेला जा रहा है और निश्चित रूप से जान लीजिए कि किसान को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं किसान पिछले एक साल से धरने पर था उनकी भले ही इस पांच राज्यों के चुनाव के कारण उनकी मांगे थोड़ी बहुत मान ली हो लेकिन ऐसा नहीं कि, कि किसान सिर्फ भाजपा के शासन काल में इससे पहले अखिलेश यादव के शासन काल में भी किसान परेशान था तो किसान तो इस देश में आजादी के बाद से आज हालत ये हो गई है कि 25 साल में चाहे हर चीज का दाम सौ गुना पांच सौ गुना बढ़ जाता हो लेकिन किसान की फसल का दाम चालीस गुना भी नहीं बढ़ता किसान को अपनी फसलों का मूल्य नहीं मिलता इसलिए किसान के बच्चे खेती छोड़ रहे हैं और किसान की हालत दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है जिसके बारे में कोई दल चिंतित नहीं है सिर्फ चुनाव में जातिगत बांटकर चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं और किसान को वोट बैंक दिखा के बेवकूफ़ बनाने का, का काम करते हैं सर ये तो आपने बात की डिजिटल प्रचार की लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की रणनीति तय है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय है कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हों की विचारधारा के साथ चल रही है बहुजन समाज पार्टी भी लगातार जो चीजें हैं वो तय है Yeah. <laughs> अब ऐसे में जो लोकदल है वो किस तरीके से काम कर रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए लोकदल पिछले एक साल से जब भी ये चुनाव आया इसका किसानों का धरना चल रहा था लोकदल एक पार्टी के तौर पर ना सही लेकिन एक संगठन के तौर पर वहां पे मौजूद था उस किसानों के आंदोलन में लोकदल किसान की हर उस आवाज में साथ है जहाँ इस देश में किसानों को जरूरत होती है नौजवानों को रोजगार के साथ है किसान के बच्चे अगर खेती में पैसा नहीं होगा तो छोड़कर रोजगार की तलाश में भागेंगे तो गाँवों में रोजगार भी होना चाहिए लोकदल का मुद्दा गाँव में रोजगार नौजवान को रोजगार और किसान को फसलों का दाम मुद्दा है आज चाहे आप भाजपा या सपा कह रहे हो तो भाजपा या सपा का तो तो मुद्दा चुनाव में क्या है तो है हिंदू हिंदू मुसलमान उनका एजेंडा तुम की बात मुसलमान की बात करूंगा इसीलिए अमित शाह आज के गए हैं ताकि हिंदू मुसलमान का तार छेड़ सकें तो यहां पर चुनाव भाजपा और सपा दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं कांग्रेस तो इस चुनाव में ऐसा लगता है लड़ ही नहीं रही है वॉकओवर दे रही है समाजवादी पार्टी को आजादी के पिछहत्तर साल में पचास साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही लेकिन आज वो इस बात को कह रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं तो आपने ऐसा कौन सा केंद्र में सरकार चलाई थी कि आपने महिलाओं को अनेक, पे ला दिया तो निश्चित रूप से आप अपनी खुद ही कमी को उजागर कर रहे हैं ये नाटक करके तो निश्चित रूप से जहां ना कांग्रेस है ना सपा है ना भाजपा है बसपा तो चुनाव लड़ी नहीं रही है वो तो टिकटे बेचा करती है तो ऐसे चुनाव में एक वैक्यूम है और चुनाव सिर्फ जातियों की गोलबंदी के नाम पर हो रहा है जिसके लिए लोकदल चाहता है कि मुद्दों पर चुनाव हो इसलिए किसान और नौजवान का मुद्दा लोकदल का मुख्य मुद्दा है जो आजादी के हर बार हर साल में हर पार्टी ने लिया है लेकिन नाम ही लिया है इस्तेमाल कुछ करके नहीं दिखाया कोई कहेगा मैंने इतने मेट्रो बनवा दिए मैंने पुल बनवा दिए सब नाटक विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं अरबों खरबों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं विकास एक भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुका है और पूरी तरह चुनाव को एक तरह से जातियों के नाम पर पैसे के दम पर जीतना चाहते हैं चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो एक सिक्के के दो पहलू है दोनों में कोई अंतर नहीं है सर आरोप आपने बहुत बड़े बड़े लगाए हैं लेकिन अब देखा जाए तो भारतीय सबका सबका समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने अपने शासनकाल में विकास किया और भाजपा जो है है केवल फीते काट रही कांग्रेस दोनों के ऊपर आरोप लगा रही है कि दोनों जो है रस्साकशी में लगे हुए हैं ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी है वो शांत बैठी हुई क्या वजह इसके पीछे की क्या लगता है आपको देखिए सबसे पहले आपने कहा विकास किया मैं आज तक ये नहीं समझ पाया विकास की डेफिनेशन क्या है क्या जनता के पैसे से टैक्स इकट्ठा जो करते हैं उससे पुल बनाने को मेट्रो बनाने को सड़क बनाने को विकास कहते हैं तो मेरी समझ में विकास नहीं है विकास ये हर हर सरकार ने जब जब पैसा आया है तो किसी ने सड़कें बनाई है किसी ने पुल बनाया है किसी ने कुछ बनाया है ये डेवलपमेंट का काम होता है डेवलपमेंट के काम में पचास से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है ये सब देश की व्यवस्था जानती है हर मंत्री जानता है हर विधायक जानता है कि पचास से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है इन सब विकास के कामों में सवाल है कि ये विकास नहीं होता विकास असली तब होता है जब गांव में बैठे व्यक्ति को फसल का दाम मिले गांव में बैठे नौजवान को गांव छोड़कर ना जाना पड़े गांव में इतनी अच्छी सरकार हो कि गांव खुद एक, एक अपनी फैसला कर सके और गांव में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं हो उसको विकास कहते हैं मानव विकास को विकास कहते हैं जो आज इस देश में नहीं है आज शिक्षा के नाम पर भी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं आज हर चीज़ में स्वास्थ्य के नाम पर आप पे सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बर्बाद से हो चुकी हैं ओमिक्रॉन और इसके जो कोरोना की वेव में आप पूरी तरह हार चुके हैं आप विकास किसको कहना चाहते हैं लाखों लोग मर गए इसमें कोरोना की वेव में कोई नहीं जानता देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी से लोग मरे अव्यवस्थाओं के कारण मजदूर जब इसमें ओमे इसमें आए कोरोना की दूसरी लहर में तो आज पूरी तरह जहां पूरी तरह बर्बाद किया गया हो आज आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं पता नहीं कौन सा विकास कर रहे हैं तो आपने बहुजन समाज पार्टी की बात करी तो मेरे समझ में नहीं आता बहुजन समाज पार्टी का तो कोई आधार ही नहीं है बहुजन समाज पार्टी तो निश्चित रूप से इंतजार कर रही है कि उनको तीस पैंतीस कोई सीटें आ जाए तो चाहे भाजपा हो चाहे सपा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें हंग असेंबली आए जिसमें मुख्यमंत्री बनने का काम बहन जी सपना देख के बैठी है और शायद वो इसी प्लेटफॉर्म पे काम करने के प्रयास कर रही है आखिरी सवाल तो पूछना चाहूंगा चुनाव नजदीक है ऐसे में आप भी जनता के बीच जा रहे होंगे कैंपेन कर रहे होंगे तो अब जनता से आप क्या करना चाहेंगे देखिए मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि आप हर चुनाव बात कहते हैं कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं बदल रहा आप खुद पहले बदलने को तैयार हुई है सबसे पहले आप वोट डालना शुरू करिए आधे लोग तो वोट ही नहीं डालते कहते हैं किसको वोट दे सबके सब बेकार सब हैं तो आप अगर आपको लगता है सब बेकार है तो आप में से अच्छे लोग जो कहते हैं वो बाहर है, आए चुनाव लड़े लोकदल किसान नौजवान अच्छे लोगों को नए लोगों को भी चुनाव लड़ा सकता है आप आइए जनता के बीच में अगर आप नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आएंगे जो कल बसपा में थे सब छोड़कर सत्ता के लिए भाजपा आ जाएंगे भाजपा छोड़ के सपा आ जाएंगे ऐसे ही लोग राजनीति में बदलते रहेंगे ये वही लोग हैं जो चले हुए कारतूस है जो इधर से उधर कुत्ते रहेंगे और आपको बर्बाद करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप चुनाव में उतरिए उसके बाद में आप ये बहुत हो गया जाति धर्म इसके नाम से ऊपर उठकर अपनी समस्याओं पर वोट देना चालू करिए अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसानों का भला हो जाएगा उसे वोट दीजिए अगर आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने किसानों के लिए दूध की नदियां बहाई थी आप उनको वोट करिए लेकिन अगर आपको लगता है कि इन दोनों ने किसानों को नौजवानों को बर्बाद किया इनके शासनकाल में भी बर्बाद हुए थे आगे भी बर्बाद होंगे तो एक नया विकल्प चुनिए कांग्रेस तो पहले भी केंद्र में आप देख चुके हैं मायावती की कोई विचारधारा

यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर